राहुल जी, आपकी फिल्म एक आई थी जुनून जी, जिसमें आप बहुत भयानक रूप ले लेते थे रात को शेर बन जाते थे आप उस टाइम पर एक चॉकलेटी हीरो टाइप्स थे, और उसके बाद अचानक से आपने सोचा कि मैं अब शेर बन जाऊंगा तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ये फिल्म करनी है। क्या सोच के आपने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, और उस टाइम किस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे थे? कौन सा रिस्क था जो आपको कह रहा था कि नहीं ये फिल्म करनी चाहिए तो उसमें आपको फायदा ही होगा? मैंने कभी ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने कभी फायदे और नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक अंदर की गट फीलिंग को लेकर चलता था कि मैं एक अलग टाइप के रोल्स करना चाहता हूँ। एज इट इज मेरी एक एडवांटेज उन दिनों में थी कि मैं एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं दिखता था, तो मेरी एक लुक थोड़ी सी अलग थी, आशिकी से स्वीकार हुई। तो जब ये फिल्म जुनून भट्ट साहब ने कहा कि वो ऐसे बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय कभी भी नहीं था कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, ये रोल। इसलिए मैं मेकअप के लिए तैयार था 18-18 घंटे बैठने के लिए मेकअप के लिए। उन दिनों में ये स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते थे, यूज्ड टू सिट फॉर मेकअप। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो LSA इन लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट लेके आया है, वही मेकअप आर्टिस्ट ने जितने भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हॉलीवुड की फिल्म है उसमें सारा चीफ मेकअप आर्टिस्ट वही था। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि आई वॉन्टेड टू डू, क्योंकि सी एज एन एक्टर एक तो होता है कि आप सेफ जगह बैठ करके आप एक ही चीज करते रहते हैं, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई। एंड दिस मैन मिड 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की जी। तो ये कोई हर आर्टिस्ट से आप कभी भी बात करेंगे, आफ्टर वो कुछ समय तक वो एक टाइप के रोल प्ले करता रहता है, हालांकि उसके तरीके दिखाने के डायरेक्टर के हिसाब से कुछ अलग अलग होंगे, बट रोल घूम फिर के वही होती है। तो जब उसे कुछ नया मिलता है करने के लिए, देन ही जंप्स एट इट। और आज ज्यादा इजियर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो सिनेमा की परिभाषा है वही चेंज हो गई है। पिछले सालों से हम लोग चंद सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर फिल्म के लिए आज एक ऑडियंस है, उसकी मार्केटिंग सही होनी चाहिए। हर हीरो जो है कॉमेडियन का रोल भी करना चाहता है, हीरो का रोल भी करना चाहता है, थोड़ा बहुत विलन बाजी भी करना चाहता है सब। लेकिन ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी 90s में कर चुके थे, और मेरे साथ कई लोग थे जी, कई एक्टर्स थे जिन्होंने फॉलोइंग फिल्म में उन्होंने भी किया और उन्होंने काम करते रहे थे। तो आज ये हो रहा है, बट टुडे इट इज मोर एक्सेप्टेबल। आज कोई डेफिनेटिव स्लॉट नहीं है किसी भी हीरो की या कोई, हाँ जितना स्क्रीन स्पेस आपको मिल सकता है जिसमें आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं, आपको मौका मिलता है आपके टैलेंट को दिखाने के लिए, हर एक्टर भूखा है उस टाइप के रोल को लेने के लिए जी। राहुल, जानना चाहेंगे, आपने एक ब्रेक लिया था फिल्मों से, मतलब कुछ टाइम शुरुआती दौर जो था उसमें आप एक्टिव रहे, काम किया, उसके बाद एक ब्रेक आया आपका, और उसके बाद अब आप दोबारा से एक्टिव हुए हैं। ये ब्रेक क्यों आया आपके लाइफ में, आपके करियर में? वो कई रीजंस थे। मैं ऑलरेडी मैंने कई जगह पहले भी बताया हुआ है कि इसी मैंने करियर के बिगनिंग में ही मैंने 47 फिल्में साइन कर ली थी। तो आशिकी के बाद, तो जब मैंने 47 फिल्में साइन कर ली थी तो दिन में होते थे 24 घंटे और मैं एवरेज दिन में 22 घंटे काम करता था। 7 to 2 इन द आफ्टरनून वन फिल्म करता था, 2 to 10 नाइट आई शूट अनदर फिल्म, एंड 10 at night to 5 इन द मॉर्निंग मैं अदर फिल्म करता था। और मैं कभी ब्रेक नहीं लेता था, मैं गाड़ी में ही सोता था या मेकअप रूम में, जो भी शॉट्स के बिटवीन में समय मिलता था। तो ऐसा हो गया था, ये मेरा सिलसिला चलता रहा 4.5-5 साल तक। उसके बाद 21 लोगों के फिल्म में पैसे वापस लौटा दिए। वेरी अर्ली इन माई करियर ऐसा कहते हैं कि मैंने इतना कुछ कर लिया था, इतने रोल्स कर लिए थे, और हालांकि मैंने ट्राई किया था, क्योंकि एक आर्टिस्ट को पता लग जाता है कि जब वो फिल्म कर रहा है कि फिल्म अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। हिट और फ्लॉप तो दूर की बात है, वो तो बाद में पता चलेगा, बाद में, बट कि ठीक बन रही है, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म आपको पता चला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। करेक्ट। और उस टाइम पे क्या था, क्योंकि मैं नया था, हालांकि कुछ लोगों के साथ मैंने अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए कि सर ये आई थिंक ऐसे करना चाहिए, लेकिन सब लोगों के पैसे जुड़े हुए थे उसमें जी।
व्यक्तिगत तौर से सब लोग थिएटर्स में अपनी फिल्मों को जल्दी पहुंचाना चाह रहे थे. मैं प्रोफेशनल था, मुझे बताया जाता था रिपीटेडली आप नए हैं, आप प्रोफेशनली अपना काम कीजिए. तो मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था और मैंने वो फिल्में कंप्लीट की और वो फिल्में रिलीज हुई. हकीकत यह है कि कुछ फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया, कुछ फिल्मों को लोगों ने पसंद किया और काफी ऐसी फिल्में थी जो चली गई. तो हर आर्टिस्ट के करियर में ये आता है, ये दौर आता है जी. अब इस पे किसी को ब्लेम करना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ. ये चॉइसेस मेरी थी, गलतियां मेरी थी. मैं थक चुका था और उस टाइम पे फिर मैं सोचा कि चलो अभी इससे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ. दो साल का पहले मैंने सोचा मैं ब्रेक लेता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा ध्यान देता हूँ. लिंकअप्स हो चुके हैं सब चीजें, बट मुझे शादी करनी है, अब क्या करूंगा मैं ये सब लिंकअप्स वगैरह के साथ. इंटरेस्ट तो था नहीं. तो 99 पे मैं अपनी वाइफ को मिला, राजलक्ष्मी को. लकली 2000 जुलाई में हम लोगों ने शादी की. फिर मैं सोचने लगा चलो एक्टर की जिंदगी ऐसी होती है. बिजनेस तो मेरे फैमिली का चल ही रहा था, मेरे फादर इन लॉ के साथ मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में सोचने लगा. 2003 में हम लोगों ने डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया के बारे में. ऑस्ट्रेलिया का जब नियम शुरू हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी बीवी के साथ आता जाता रहा, बिजनेस करता रहा, मेरे पेपर वर्क स्टार्ट हो गए. फिर दी ओनली टाइम आई थॉट के वापस करने के लिए मैं बिग बॉस से पहला कदम लिया मैंने कि बिग बॉस से मैं करता हूँ तो देखता हूँ कि अगर ऑडियंस अभी भी जानती है, पहचानती है नहीं. मेरा मकसद एक ही था कि अगर मैं बिग बॉस में 2 हफ्ते तक टिक जाऊं तो जो नए जनरेशन है जो मुझे नहीं जानती है शायद उनके साथ मैं कनेक्टिविटी पा पाऊंगा कि नहीं पा पाऊंगा. मेरे सौभाग्य की बात है कि फैंस वर देयर. मैं काफी सरप्राइज्ड हुआ. फिर आई वन द फर्स्ट सीजन थैंक्स टू देम. तो वहां से मेरे हौसले बुलंद हुए कि आई थिंक आई शुड ट्राई एंड डू समथिंग. But never take the audience for granted. तो करूंगा तो क्या करूंगा. Then like I said के मेरा PR जैसे आ गया, then I started getting active के चलो I want to do this. Okay. तो एक excitement है, nervousness भी होती है फिल्म के साथ क्योंकि competition अब और severe है, और strong है. ये सब चीजें जानता हूँ. लेकिन luckily I am older. Hopefully, थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई है, थोड़ी बहुत वाइजनेस आ गई है. आई कैन टेक द हिट्स अ लिटिल बिट मोर. तो यही लाइक पहले भी हम लोग चाहते थे, बट थोड़ा सा अभी मैं कंट्रोल में रखता हूँ कि आई ट्राई एंड मेक श्योर द फिल्म इज मेड वेल. फिल्म अच्छी बने जी. बाकी फिर फ्राइडे को पता चलेगी कितना लोगों को पसंद है कि नहीं है. जी राहुल, जानना चाहेंगे बिग बॉस में फर्स्ट सीजन यू आर विनर. काफी टाइम तक आप वहां रहे. अब बिग बॉस 7 सीजन 7 चल रहा है. बहुत अच्छी तरह से आप बिग बॉस के घर को समझते हैं. एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात आपसे जानना चाहेंगे जो सिर्फ आप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता बिग बॉस के बारे में. बिग बॉस का घर जो है बहुत ही बढ़िया है, सब सुविधाएं हैं. और जितनी भी गंदगी और जितना भी हम लोग देखते हैं किसी भी सीजन में, मेरे सीजन को इंक्लूड करते हुए जो माहौल है, जो कुछ भी है, सर वो कंटेस्टेंट ही करते हैं जी. बिग बॉस कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता. ये हरकतें करतूतें सब कंटेस्टेंट के ही हैं. लेकिन ये तो कहते हैं कि जितने भी रियलिटी शोज हैं सब स्क्रिप्टेड होते हैं. ये कितना स्क्रिप्टेड है आप मुझे बताइए, कौन कहता है? बहुत सारे लोग जो रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हैं जो हार चुके हैं. ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, यही लोग अगर आप देखेंगे, और मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, यही लोग बोलते हैं जो हार जाते हैं. और यही कंटेस्टेंट आप देखेंगे हर रियलिटी शो जो में अपना नाम पहले आगे रख देते हैं कि मुझे एक रियलिटी शो में कम्पीट करना है. अभी तो इतने रियलिटी शोज हैं,
अगर आपको लगता है कि हर रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है तो व्हाई इज इट दैट वी सी कि कुछ कंटेस्टेंट जो इस रियलिटी शो में वो उस रियलिटी शो में भी जा रहा है एक साल के बाद हो छह महीने के बाद हो दे ऑल गोइंग सी रियलिटी शो एक चीज है कि रियलिटी शो एक प्लेटफॉर्म है एक न्यू कमर के लिए एक ऐसे एक्टर के लिए जो शायद अपनी इमेज की शाइन लूज कर गया वापस शाइन करने के लिए एंड हर सेलिब्रिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है एक कनेक्टिविटी कर पाने के लिए विद द ऑडियंस जी अब उस रियलिटी शो में एक ही बंदा जीत सकता है कुछ सारे लोग तो नहीं जीत सकते और कॉन्सोलेशन प्राइज है नहीं उसमें बीच बीच में हाँ। तो अगर आप नहीं जीतते हैं तो ये लाछन जो है ये हर कोई मारना बड़ा आसान समझता है और हरकतें अगर उनकी दुर्भाग्य से कुछ गलत हो गई अंदर से गलती से मैं कह रहा हूँ तो उनके इमेज पे आ जाती है तो बेस्ट कमेंट इज नहीं ये तो रिग्ड है ये ऐसा है मुझे इस चैनल ने ऐसे बोला करने के लिए ऐसे अब यार कोई 10-12 साल की उम्र का कोई इंसान तो ना रियलिटी शो में जाता है हाँ टफ है उस घर में रहना बहुत मुश्किल है ये नेगेटिव क्या हम इस चीज को उसका नेगेटिव पॉइंट समझें कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल है बट वही तो खेल है जी वही तो खेल है उसका काम है कि आपको कांस्टेंट प्रेशर में रखें कि आप टूटे जी बट ये तो आपको पहले दिन से समझाया और अगर आपको नहीं समझा तो अगर आप किसी रियलिटी शो में जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो देखो आज तो इंटरनेट और सब जगह तो पड़ा हुआ है ना आप देखो कि आप क्या चीज आप फेस कर सकते हैं ये रियलिटी शो आपके लिए है या नहीं है? नहीं है ये तो आपकी चॉइस होती है ना जी 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 तो किसने बोला था कि मैं अंदर जाऊंगी या जाऊंगा और मैं ऐसा सेलिब्रिटी हूँ और ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए वो तो शो का फॉर्मेट है जी राहुल आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे अब आप क्योंकि कह रहे हैं कि अब आप बॉलीवुड में वापस एक्टिव हो गए हैं तो ये जो फिल्म जो आपकी अभी मार्च अप्रैल में रिलीज होगी उसके अलावा और कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं मेरी अपनी प्रोजेक्ट है जो अभी फिजी में जाएगी फरवरी में जाऊंगा कुछ 40 दिन के लिए इट्स अ फिल्म गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय 2-टाइम नेशनल अवार्ड विनर कैमरामैन भी है ये सबके नाम सब अनाउंसमेंट न्यू ईयर में होगा अच्छा There's a very good heroine who's very, very supportive. I'm thankful to her. And she's very supportive to my project and to me as a friend, as a colleague, as an actor. Namjeen heroine hai. There are other people that I've roped in from the international market. And ye again a psychological thriller. Hai. Thoda bahut isme junoon ka shade hai, but more realistic. इस फिल्म का नाम है शूट रन किल तो थोड़ा ग्लैमर है सब चीजें तो आई एम ब्लाइंड टू डू अभी फिलहाल ये दोनों है बी आर नॉट टू बी शूट रन किल देयर आर फ्यू थिंग्स जो कर रहे हैं बट जब फाइनल होते हैं तब मैं अभी ऐसे कहना मुनासिब नहीं होता है कि जी मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ राइट नाउ आई एम हैप्पी विद दीज टू प्रोजेक्ट्स व्हिच आर ऑलराइट राहुल आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जरूर बहुत छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब ओके सो यू रेडी Your favorite actor? Always been Robert De Niro. Your latest favorite Bollywood actress? Latest? Favorite Bollywood actress? Deepika Padukone. Your favorite director? From Bollywood? Bollywood. Anurag Kashyap. All right. Your favorite co-star? I'm just coming in, so give me some time. But abhi bahut time hai. I haven't worked with anybody in a long time. But past mein... who was very hard working and I loved working with her was Karishma Kapoor. She was very good. Okay. Very fine actor. Aashiqui ya Junoon? Junoon. Film industry ki wo baat jo aapko sabse zyada pasand hai? Har time aapko mauka deti hai. You have to be sincere towards it. Okay. Film industry ki wo baat jo aapko bahut kharab lagti hai? Mujhe to aadat hai, mujhe to farak nahi. Agar aap डोंट अंग्रेजी में थोड़ा सा बेटर कह सकूं डोंट एक्सपेक्ट हैंडआउट्स अब क्योंकि अब आप वापस बॉलीवुड में एक्टिव हो रहे हैं कौन सी एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ आप अपने लिंकअप्स की खबरें सुनना पसंद करेंगे लिंकअप्स तो अभी वो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ऑनेस्टली स्टिल नो नॉट एट ऑल नोबडी
नॉट एट ऑल नो बडी एंड आई मैं सेफ नहीं खेल रहा हूँ नॉट एट ऑल नो बडी बस इससे जो समझना है सुनना है कुछ भी जो भी है आई लाइक टू वर्क विद देम बट नॉट एट ऑल लिंक अप्स नॉट एट ऑल. जब आपने बॉलीवुड आपकी जो पहली पारी जो थी बॉलीवुड की उस टाइम पर जब आपके लिंकअप्स की खबरें थी तो कौन से लिंकअप में सच्चाई थी? मेरे को तो पहले जब मैं उस टाइम की मॉडल थी रेचल रूबिन उनके साथ था तो उनके साथ 3 साल था आई वॉज देयर एंड दे वर वन और टू बट ये बीती हुई बातें हैं. दे वर मेनली मॉडल नो एक्ट्रेस. No actress was true. नहीं आप घबराइए मत ये ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुँचाएंगे. नहीं जाएगा भी तो नहीं. She knows. My wife knows everything. शादी करने से पहले मैंने अपने सारे कांड बता दिए. So I'm not worried. हाँ. She knows everything. Models थे never the actresses. अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? If I can, actor. Okay. If I can. I don't know. मेरे कर्म कहाँ लेके जाते हैं. मैं थोड़ा स्पिरिचुअल चलता हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं. राहुल आपके साथ खेलेंगे अब एक छोटा सा और सेगमेंट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है. इनकम्प्लीट लाइन में बोलूंगी जिसको आपको कंप्लीट करना है. सो यू रेडी? ओके. मेरे करियर की वो मूवी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है जुनून. मेरे करियर की वो मूवी जिसमें मैंने बहुत बेकार काम किया है वो है बारिश. मेरे करियर की वो मूवी जिसके सीक्वल में मैं काम करना चाहूंगा जुनून. मेरी एक्टिंग की वो खास बात जो सिर्फ मुझ में है वो है ऑनेस्टी. मेरी एक्टिंग में जो कमी है वो है कॉमेडी नहीं कर सकता मैं. I can't make those loud faces. Alright. राहुल आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच. और नए साल में हम चाहेंगे कि आप अपने फैंस को कुछ मैसेज अपनी तरफ से दें. सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं जितने भी लिसनर्स हैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं फॉर दिस कमिंग 2014. एंजॉय योरसेल्फ, बी सेफ, ड्राइव सेफ एंड हैव अ कंप्लीट ब्लास्ट. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाला साल उतना ही एक्साइटिंग होगा उतना ही सक्सेसफुल होगा. As I'm hoping my year will be, probably a lot more for you guys. So I love you all and thank you for always giving me the love and support. Love you guys. Thank you so much. Aapne hume itna time diya Rahul.